हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 15th नवंबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जोमेटो में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें जो देखने मिला है 4.40% का एक नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे हुआ 69.60 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारे को ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें जरूर वॉल्यूम देखने लगा। कैंडल बहुत ही बड़ी बनी है, आप देख सकते हैं कैंडल की बॉडी भी यहाँ पे बहुत ही बड़ी बनी है। ऊपर के समय तो मीडियम साइज की यहाँ पे विक बनी और नीचे के समय बारीक सी विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई 69.70 के आसपास जो आ चुका है जो यहाँ पे हमें जरूर जो है एक नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे अब जो है एक पॉजिटिव मोमेंट का। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ स्टॉक का हमने कल ही एनालाइज किया था, वहां पे हमने आपको कहा था कि स्टॉक जो हमें डाउन साइड आते हुए देखने मिलेगा और कुछ ऐसा ही हमें जो मोमेंट भी देखने मिला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा मैं जरूर आपको रेकमेंड करूंगा, वो यहाँ पे हमारा कल का जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लें। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है उसी तरह का जो मोमेंट हमें देखने भी मिला है। यहाँ पे आने वाले दिनों में करेंटली अब जो है यहाँ पे मेरा ओपिनियन जरूर एक पॉजिटिव मोमेंट का है। यहाँ पे बहुत ही स्लो एक पॉजिटिव मोमेंट हमें जो है अपसाइड मूव जो है देखने मिलेगा। अपसाइड मूव सबसे पहले हमें जो 72.90 के आसपास देखने लगा, करंट क्लोजिंग के बाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर उसको भी क्रॉस करते गया तो 75.7 के आसपास, इवन यहाँ पे जो है हमें 80 के आसपास भी आते हुए देखने मिलेगा। तो जरूर जो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चले, यहाँ पे हमें अच्छा जो है बढ़िया मोमेंट जोमेटो में अब जो है आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी जो करंट प्राइस जो बहुत ही बढ़िया है बाइंग करने के लिए, तो जरूर अगर यहाँ पे आपको मौका मिले तो यहाँ पे आप जो है करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको जो है इंट्राडे के लिए और यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म के लिए बता देता हूँ क्या आपको करना है करेंटली, क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ट्रेंड में हमें जितना हो सके उतना बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, तो इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए बता दूँ, शॉर्ट टर्म के लिए अगर यहाँ पे आपको कोई भी बाइंग करनी है तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे स्टॉक जो 65 के आसपास अगर आए, 65.7 या फिर 66 के आसपास जो है आए जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है आपको 5-8% का अपसाइड मूव जो है इजिली देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इजिली जो है मोस्टली जो स्टॉक है हमें एक या दो दिन के अंदर ही जो उतना मोमेंट दे देता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँ 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर जो जरूर आपको देखने मिल जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, हमेशा जो है वन डे में जो है 1-8% या 10% जो है नहीं चढ़ता है कभी कभी, तो यहाँ पे धीरे धीरे भी जो है ग्रोथ होता है, लेकिन यहाँ पे जरूर 5-8% का जो 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर जो आपको देखने मिल जाएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऐसा जो यहाँ पे मार्क्ड है, तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग्स यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 69.60 के आसपास यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 69.35 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 70.20 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर
कंफर्मेशन कैंडल को देखते हो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजोन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजोन, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता है 68.40 का, उसके बाद क्या था 67.75 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजोन के बाद का अगला रेजोन आता है 71.30 का, उसके बाद क्या था 71.85 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजोन आपको बताया, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। तो अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव यहाँ पे क्लोजिंग का है। यहाँ पे एक्सपेक्ट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो गए तो फिर हमें रिवर्सल जो देखने मिल जाएगा, लेकिन अगर न्यूट्रल से यहाँ पे ओपनिंग हुई तो हमें स्टॉक जो गिरते हुए जरूर देखना, और इस रेंज में हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जरूर है। लेकिन मैं आपको दोनों साइड का मूवमेंट जो बता देता हूँ, स्टॉक अगर यहाँ पे न्यूट्रल ओपन हुआ तो नेगेटिव क्लोज होगा, लेकिन अगर गैप डाउन ही ओपनिंग हुआ तो नीचे जाके फिर रिवर्सल में स्टॉक जो नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में क्लोजिंग हमें दे सकता है और स्लाइट पॉजिटिव में जा सकता है 1% के अंदर या फिर 0.5% के अंदर मैं कहूँ तो पॉजिटिव रह सकता है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखते हुए चले, और यहाँ पे ओवरऑल हमारा ओपन जरूर नेगेटिव साइड का है। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।